प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSY ईश्वर सर में। आज हम क्लास टेंथ के पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड GL फ्लुएंट्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर हम बाईलिंगुअल करेंगे, दो भाषाओं में करेंगे, हिंदी और अंग्रेज़ी में। और उम्मीद करता हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। और ये वीडियो स्पेशल जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है, और आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर? होप का मतलब होता है उम्मीद। लैंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी? तो लैंचो हैड होपड, लैंचो को उम्मीद थी फार ए डाउनपोर। डाउनपोर कहते हैं मूसलाधार बारिश की। आर या एट लास्ट, कम से कम। ए शावर, शावर कहते हैं बुछार को। फार हिज राइप कॉर्न, राइप होते हैं पके हुए, राइप क्या होते हैं पके हुए, कॉर्न कहते हैं मक्के को। फील्ड्स एज इट वॉज नीडिड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट होती है फसल। ये लंचो की तस्वीर है। तो कहता है लंचो हैड होपड फॉर ए डाउनपोर, लंचो को उम्मीद, लंचो ने आशा कर रखी थी एक अच्छी बारिश के लिए। आर एट लास्ट, या कम से कम। ए शावर, एक बौछार आ जाए। फॉर हिज राइप कॉर्नर, उसके पके हुए मक्के के खेतों के लिए। एज इट वॉज नीडिड, जैसे कि यह जरूरत थी उस समय। फॉर ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए। क्वेश्चन टू, वाई डिड लंचो से, लंचो क्यों कहता है द रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें वर लाइक न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों की तरह हैं। जो बारिश की बूंदें हैं, रेन का मतलब होता है बारिश, या जो ड्रॉप्स बूंदें, रेन मतलब बारिश और ड्रॉप्स का मतलब होता है बूंदें। लंचो कंपेयर्ड, कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर्ड होती है तुलना करना। द रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप्स की, टू न्यू कॉइन्स, नए कॉइन्स के साथ। द बिग ड्रॉप्स, बड़े जो बूंदे हैं, एज 10 सेंट, 10 पैसे। एंड द लिटिल वन एज 5, कहता है जो बड़े ही बूंदे हैं पानी की, बारिश की जो बूंदे हैं वो बड़ी बूंदे 10 पैसे के सिक्के के जैसी हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 पैसे के सिक्के जैसी है। एज हिज क्रॉप्स वर रेडी, जैसे कि उसकी जो फसल, क्रॉप्स कहती है फसल, हार्वेस्ट भी फसल होती है और क्रॉप भी फसल होती है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। रेडी फॉर हार्वेस्ट, ही होपड, वह उम्मीद करता है दैट कि द रेन वुड ब्रिंग हिम प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी होती है समृद्धि। तो वो उम्मीद करता है कि जो बारिश है उससे उसकी, वह समृद्ध हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। सो ही फेल्ट, इसलिए वह महसूस करता है, द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, और इसलिए वह महसूस करता है कि रेन ड्रॉप है वो कि नए सिक्कों की तरह हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, हाउ डिड द रेन चेंज इट, बारिश कैसे बदली। व्हाट हैपन टू लंचोज फील्ड, लंचो के खेतों के साथ क्या हुआ। द रेन स्टार्टेड पोरिंग डाउन, जो बारिश थी वो पोरिंग डाउन हुई थी, शुरू हुई थी, बारिश की बूंदें जो गिरनी शुरू हुई थी, इसे कहते हैं महावृष्टि। जो सर्दी के अंदर बारिश होती है उसे कहते हैं, बट सडनली होता है अचानक, लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, ब्लू बहती है, एंड वेरी लार्ज हेलस्टोन, हेलस्टोन होते हैं ओले, और जो एक बड़े जो ओले हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, लाइक फ्रोजन परल, जमे हुए मोतियों की तरह। बिगेन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, रेन के साथ साथ वो भी गिरना शुरू हो जाते हैं। द हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म है बर्फीला तूफान, बर्फीला तूफान। कंटिन्यूड, चलता रहता है, फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए। यहाँ पे देखिए आवर से पहले एन लगा है, एन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे सवर की आवाज़ आती है, ये आपके आर्टिकल में काम आएगा। एंड डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड होता है तबाह करना, और तबाह कर देता है लंचोज कॉर्नफील्ड, लंचो के मक्के के खेतों के। एंड वाशड अवे, और साफ कर देता है, धो देता है द फ्लावर्स, फूलों को, फ्रॉम द प्लांट्स टू, और जो पेड़ों पे जो फूल लगे हुए थे उनको भी साथ में धो देता है। अगला प्रश्न है, व्हाट वर लंचोज फीलिंग्स, लंचो की भावनाएं क्या थी। व्हेन द हेल स्टॉप्स, जब तूफान रुक जाता है, बर्फीला तूफान रुक जाता है, तो उसकी फीलिंग क्या थी। आफ्टर द हेल स्टोन स्टॉप्ड, जो ओले गिरने बंद हो जाते हैं उसके बाद में, लंचो जो साउल, साउल कहते हैं उसकी आत्मा को, साउल होती है आत्मा। वाज फील्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ होता है दुख, ग्रीफ क्या होता है दुख। एंड डिसमे, डिसमे होती है बेचैनी, उसकी जो आत्मा होती है, उसका जो मन होता है वो भर जाता है दुख और बेचैनी के साथ। ही रियलाइज्ड होता है महसूस करना, रियलाइज्ड क्या होता है महसूस करना, दैट की एवरीथिंग वाज रियूंड, रियूंड होता है तबाह होना, कि प्रत्येक जो चीज़ है वो तबाह हो गई है, बाई द हेल स्टॉर्म, जो बर्फीला तूफान है उससे। एंड नथिंग वाज लेफ्ट,
और कुछ भी नहीं बचा है टू फीड हिज फैमिली। फीड होता है खिलाने के लिए, भोजन कराने के लिए, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा अपने परिवार को भोजन करवाने के लिए। फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल के लिए, ही कुड, वह विजुअलाइज होता है किसी चीज़ को देख पाना, वह देख सकता था द ब्लैक फ्यूचर ऑफ हिज फैमिली। ब्लैक होता है बिना रंग का या बेरंगा, तो उसे दिखाई दे रहा था अपनी परिवार का, विजुअलाइज हो रहा था फ्यूचर जो कि बिल्कुल बेरंग का है। अगला प्रश्न देखिए, पेज नंबर 6 पे है ये। हु आर व्हाट डिड लंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, कौन है या क्या है जिसे लंचो, जिसमें लंचो को विश्वास है। व्हाट डिड ही डू, वह क्या करता है। लंचो हैड स्ट्रॉन्ग फेथ, स्ट्रॉन्ग फेथ, लंचो मजबूत विश्वास रखता है इन गॉड, भगवान में। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता है दैट गॉड्स आई, कि भगवान की जो आंखें हैं सी एवरीथिंग, देखती है प्रत्येक चीज, इवन व्हाट इज डीप इन, जो कि गहराई में है, इन वंज कोसाइंस, कोसाइंस कहते हैं अंतरात्मा में, भगवान किसी की अंतरात्मा के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी देख सकता है। हैंस ही रोट, और इसलिए वह लिखता है ए लेटर टू गॉड, एक भगवान को पत्र लिखता है, सीटिंग दैट, बताते हुए या हवाला देते हुए। ही नीडिड ए 100 पैसोस, कि उसे 100 पैसोस की ज़रूरत है, टू सो, बीजने के लिए, सो होता है बोना, हिज फील्ड अगेन, अपने फील्ड को दोबारा से, दैट वाज डिस्ट्रॉयड, जो कि नष्ट हो गया है बाय द हेल स्टॉर्म, बर्फीले तूफान के साथ। दूसरा प्रश्न है इसी पेज पे, हु रीड द लेटर, लेटर कौन पढ़ता है, तो इसमें हु की जगह पे आपको सिर्फ द पोस्टमास्टर लिखना है, द पोस्टमास्टर रीड द लेटर, अगर आप इतना भी लिख देते हो तो आपका ठीक है, द पोस्टमास्टर रीड लंचो लेटर एड्रेस टू गॉड, तो जो पोस्टमास्टर है वह पत्र पढ़ता है, लंचो का पत्र जो उसने एड्रेसड कर रखा था भगवान को, जहाँ पे गॉड शब्द लिखना है उसका जी बड़ा आएगा हमेशा, ये चीज़ आपने पंक्चुएशन के अंदर ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे, तीसरा प्रश्न, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, तब पोस्टमास्टर क्या करता है। इनिशियली, शुरुआत में, द पोस्टमास्टर ब्रोक आउट इनटू लाफ्टर, इसका मतलब है जोर से हंसना, तो वह जोर से हंसता है, बट वाच सून मूड बाई सीरियसनेस ऑफ लंचोज फेथ, लेकिन बाद में वो सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है लंचो के विश्वास से इन गॉड, भगवान में, ये बीच में जगह आएगी गॉड और सो के बीच में, दोनों अलग अलग हैं। सो ही केम अप विद एन आइडिया, तो वह आता है एक आइडिया के साथ, टू कोलेक्ट मनी, यहाँ पे भी देखिए एन आइडिया आया है क्योंकि यहाँ पे सवर की आवाज़ आ रही है, टू कोलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज होते हैं कर्मचारी, और वो एक आइडिया लेके आता है कि हम सभी कर्मचारी पैसे इकट्ठे करेंगे, फ्रेंड्स उसके मित्र, एंड गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और खुद भी एक अपनी तनख्वाह का हिस्सा देता है, अपनी पगार का हिस्सा देता है, एंड सेंड इट टू लंचो, और इसे लंचो के पास भेज देते हैं। वाज लंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, सरप्राइज्ड का मतलब होता है हैरान होना, क्या लंचो हैरान होता है यह अब पत्र को पाके, उसके अंदर पैसे को पाके, नो नहीं, लंचो वाज नॉट ऑल सरप्राइज्ड, लंचो को किसी प्रकार की कोई हैरानी नहीं होती, ओन रिसीविंग ए लेटर फ्रॉम गॉड, भगवान से एक पत्र पाके, विद मनी इन इट, जिसके अंदर पैसे हैं। ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, वह बहुत कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंट होता है किसी पे विश्वास करना, एंड हैड फर्म फेथ, फर्म फेथ होता है निश्चित विश्वास या पक्का विश्वास इन गॉड, भगवान में, दैट हिज रिक्वेस्ट, कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वुड डेफिनेटली बी टेकन केयर बाई द अलमाइटी, अलमाइटी होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, तो वो कहता हैड फर्म फेथ ऑफ गॉड, कि उसे भगवान में पक्का विश्वास था कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो निश्चित तौर पे ली जाएगी सर्वशक्तिमान के द्वारा, क्योंकि उसने जो प्रार्थना करी है उसकी प्रार्थना अवश्य ही सुनी जाएगी, तो इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं होती है इस बात पर कि भगवान ने उसे पत्थर भेजा और पैसे भेजे हैं। व्हाट मेड हिम एंग्री, उसे किस चीज़ ने गुस्से में कर दिया। व्हेन लंचो काउंटेड, काउंटेड होता है गिनना, जब लंचो गिनता है द मनी पैसों को, ही फाउंड 70 पैसोज, उसे 70 पैसोज मिलते हैं ओनली, सिर्फ इंस्टीड ऑफ 100 पैसोज, 100 पैसोज के बजाय, इंस्टीड होता है बजाय या की जगह, डिमांडेड बाई हिम, जो उसने मांग की थी फ्रॉम गॉड, गॉड से, ही वॉज कॉन्फिडेंट, वह बिल्कुल निश्चित था दैट गॉड कुड नाइदर मेक ए मिस्टेक, वह बिल्कुल निश्चित था कि भगवान कोई भी गलती नहीं कर सकता इन सेंडिंग हिम लेस मनी, उसे कम पैसे भेज के, नार कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड होता है मना करना, डिनाइड क्या होता है मना करना, और ना ही उसे मना करेगा लंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने रिक्वेस्ट की है प्रार्थना की है। देयरफोर, इसलिए ही केम टू द
कंक्लूजन, कंक्लूजन होता है सारांश, इसलिए वह सारांश निकालता है। दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग, रिमेनिंग होते हैं बचे हुए या बाकी 30 पैसेज फ्रॉम द एनवेलप, एनवेलप कहते हैं लिफाफे को, एनवेलप क्या होता है लिफाफा, और वह यह सारांश निकालता है कि जो डाकघर के कर्मचारी है उन्होंने बाकी पैसे निकाल लिए होंगे जो 30 पैसे उसके थे। अगला क्वेश्चन है हु डज लंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, लंचो किस में पूरा विश्वास रखता था, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, और कौन से सेंटेंस है जो स्टोरी में ये बताते हैं। लंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एज ही वाज इंस्ट्रक्टेड दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग एंड हेल्पड हूएवर वाज इन डीप ट्रबल। लंचो को पूरा विश्वास था भगवान में कि वह भगवान प्रत्येक चीज़ देख सकता है और प्रत्येक की सहायता करता है जो कि गहरी मुसीबत में हो। गिवन बिलो आर ए फ्यू सेंटेंसेज विच एग्जिबिट हिज फेथ इन गॉड, तो ये नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं लेसन से जो ये बताते हैं कि लंचो है उसे पूरा विश्वास था भगवान के अंदर। पहला है बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी, सॉलिटरी हाउस होते हैं अकेले घर, कहते जो इन अकेले घरों में रहते हैं, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीच में देर वॉज अ सिंगल होप, वहाँ पे सिर्फ एक ही जो आशा की किरण है वो है भगवान से, इस बात से पता चलता है। दूसरा ऑल थॉट्स, सभी विचार, ऑल थॉट द नाइट लंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, सारी रात लंचो सोचता रहता है एक ही आशा के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता से, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कोसाइंस। तो इस वाक्य से भी हमें पता चलता है कि जो लंचो है वो ये समझता है कि भगवान है वो सारी चीज़ें देखता है और समझता है, चाहे वो किसी के गहरी अंतरात्मा के अंदर भी क्यों ना हो। गॉड ही रोट, वह लिखता है भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। तो इस वाक्य से भी हमें पता चलता है कि उसे गहरा विश्वास था। ही रोट, वह लिखता है टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवेलप लिफाफे पे, पुट द लेटर इनसाइड एंड वेंट टू टाउन, लिफाफे को उसमें, लिफाफे में पत्र को डालता है और कस्बे में चला जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकता, नार कुड ही हैव डिनाइड, डिनाइड होता है मना करना, और ना ही मना कर सकता है लंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लंचो ने रिक्वेस्ट किए हैं। इट सेड गॉड ऑफ द मनी, इट सेड, वह कहता है गॉड ऑफ द मनी, इस पैसे से, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने कहा था, मांगा था, ओनली 70 पैसेज रिचर्ड मी, उनमें से सिर्फ 70 रुपये मुझे मिले हैं, सेंड मी द रेस्ट, बाकी भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, और मुझे उनकी बहुत आवश्यकता है। तो इन पंक्तियों से हमें ये पता चलता है कि जो लंचो है उसका भगवान में बहुत विश्वास है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लंचो, पोस्ट मास्टर लंचो को पैसे क्यों भेजता है, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और वह लेटर पे साइन क्यों करता है गॉड लिख के। द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड, डीपली मूव्ड होता है प्रभावित होना, बाई लंचोज फेथ इन गॉड, लंचो का जो विश्वास था भगवान में उससे, हैंस He decided to send some money to Lancho in order to avoid shaking the letter's faith in God. तो वह निश्चय करता है कुछ पैसे भेजना Lancho को, जो Lancho का विश्वास है भगवान में वह ना डगमगाए, शेक का मतलब होता है हिलाना या डगमगाना। So he collected some money, इसलिए वह कुछ पैसे इकट्ठा करता है, from his colleges, अपने साथियों से, and friends, अपने मित्रों से, and signed the letter as God, और उस पत्र पे साइन कर देता है God. द पोस्ट मास्टर फेल्ट, पोस्ट मास्टर महसूस करता है, इट वॉज एन आइडल प्लो टू कन्वे ए मैसेज टू लंचो दैट गॉड हैज सेंड हिम द मनी एंड दैट गॉड हिमसेल्फ साइंड ऑन इट, और ये सारा काम वो इसलिए करता है ताकि लंचो है वह यह महसूस करे, लंचो के पास यह संदेश जाए कि भगवान ने उसे पैसे भेजे और इसके ऊपर साइन करे हैं। अगला प्रश्न है, डिड लंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, क्या लंचो इस बात की कोशिश करता है कि उससे किसने पैसे भेजे, नो लंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट हिम द मनी, नहीं लंचो कोई कोशिश नहीं करता यह जानने की कि उसे पैसे किसने भेजे, बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था दैट कि गॉड हैड सेंट इट टू हिम, कि भगवान ने उसे भेजे, नॉट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए भी डिड ही सस्पेक्ट, सस्पेक्ट होता संदेह करना, दैट समवन एल्स अदर देन गॉड कुड हैव सेंट द मनी टू हिम, उसे एक क्षण के लिए भी इस बात का संदेह नहीं होता कि किसी और ने उसे भगवान की जगह पैसे भेजे हैं। हिज फेथ इन द अलमाइटी वॉज सो रॉक सॉलिड, उसका जो भगवान में विश्वास था वो इतना पक्का था, दैट ही न्यू, कि वह जानता था, दैट नथिंग एस्केप, कि कुछ भी नहीं बचेगा
गौर जाई भगवान की आंखों से, लंचो फेल्ट, लंचो महसूस करता है दैट कि गॉड वॉज अवेयर, अवेयर होता है जागरूक ऑफ द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसका जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है उसके बारे में, दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है, फेस्ड बाई हिम, फेस होता है सामना करना, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेव हिम फ्रॉम दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, और वह रिक्वेस्ट करता है कि उसे इस मुश्किल जो घड़ी है, मुश्किल जो परिस्थिति है उससे बचाया जाए। अगला प्रश्न देखिए, हु डज लंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, लंच कौन है जिसने बाकी बचा हुआ पैसा ले लिया है, व्हाट इज द इरोनी इन द सिचुएशन, और कहता है कि जो बाकी बचा हुआ पैसा है वो किसने, इसमें क्या इरोनी है, इरोनी होती है विडंबना, इरोनी क्या होती है विडंबना, व्यंग है या ताना है। रिमेंबर दैट द इरोनी ऑफ ए सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ, और याद रखिए कि जो इरोनी होती है, विडंबना होती है, वो एक ऐसी स्थिति होती है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। एन इरोनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज आर अम्यूजिंग, जो एक इरोनिक सिचुएशन होती है, स्थिति होती है, वो अद्भुत होती है या अम्यूजिंग होती है, या अम्यूजिंग होती है जो मजाकिया हो, क्या हो, मजाकिया हो, बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये हमेशा वो होती हैं जो एक्सपेक्टेड हो, जिसकी हमें संभावना हो उसके उल्टी होती है। तो चुटकुला क्या होता है, मजाक क्या होता है, यही तो होता है कि जिस चीज़ की हमें संभावना ना हो वो एक अचानक से घटित हो जाए। तो ये जो सिचुएशन है इरोनी, ये भी इसी तरह की होती है, विडंबना ही होती है। अपॉन काउंटिंग द मनी, पैसे गिनने पर, व्हेन लंचो फाउंड, लंचो पाता है 70 पैसे ओनली इन द एनवेलप, 70 रुपये सिर्फ लिफाफे में, इंस्टीड ऑफ 100, 100 रुपये की जगह, दैट ही हैड रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, जो उसने भगवान से मांगे थे, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट द अलमाइटी कुड नॉट हैव मेड सच ए बिग मिस्टेक, वह पूरा निश्चित था, उसे पूरा विश्वास था कि जो भगवान है सर्वशक्तिमान, वह किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं कर सकता। फ्रॉम दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में ही अंडरस्टूड, वह समझता है दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है, कुड हैव स्टोलन द रिमेनिंग 30 पैसेज, उन्होंने बचे हुए 30 पैसे चुरा लिए फ्रॉम द एनवेलप लिफाफे से, हैंस ही कॉल्ड देम क्रुक्स, क्रुक्स कहते हैं ठग को, और इसलिए वह उन्हें ठग कहते हैं। द एलिमेंट ऑफ इरोनी, इसमें जो विडंबना है वो ये है, इज दैट लंचोज एंड्स अप सस्पेक्टिंग, कि लंचो इस पर संदेह करता है दोज वेरी पीपल, उन लोगों पे हु हेल्पड हिम, जो उसकी सहायता करते हैं, इन दिस, इन हिज क्राइसिस, क्राइसिस कहते हैं संकट को, इस संकट में जो उसकी सहायता करते हैं, लंचो उन्हीं पे शक करता है, और ये क्या है, ये एक इरोनी है। इन ऑर्डर टू अवॉइड शेकिंग हिज फेथ इन गॉड, और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका भगवान में विश्वास है वो डगमगाए ना, तो शेकिंग क्या होता है, डगमगाना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर देयर पीपल लाइक लंचो इन द रियल वर्ल्ड, क्या लंचो के जैसे लोग दुनिया में होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वुड यू से ही इज, आप कैसा कहोगे कि वो कैसा आदमी है, यू मे सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन, और आप इनमें से शब्द भी उठा सकते हो कि ग्रेडिव है, नाइव है, स्टूपिड है, अनग्रेटफुल है, सेल्फिश है, कॉमिकल है, या अनक्वेश्चनिंग है, लालची है, निष्कपट है, नाइव क्या होता है, निष्कपट होते हैं, निष्कपट, स्टूपिड है, मूर्ख है, अनग्रेटफुल है, जो ग्रेटफुल मतलब जो निर्गुणा कह सकते हैं, सेल्फिश मतलब ही है, कॉमिकल मजाकिया है, अनक्वेश्चनिंग पर्सन ना करने वाला है। तो इसका उत्तर कहेगा, इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड पीपल लाइक लंचो इन द रियल वर्ल्ड, इट इज़ नॉट इजी, यह आसान नहीं है टू फाइंड पीपल, ऐसे लोग ढूंढना लंचो की तरह रियल वर्ल्ड में, एज ही हैज ए नाइव एंड अनक्वेश्चनिंग, वह क्या है, नाइव है मतलब निष्कपट है, और अनक्वेश्चनिंग है, निर्विवाद है नेचर अपनी प्रकृति में। फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से वी कैन कंक्लूड, हम इसका कंक्लूड निकालते हैं दैट ही इज नॉट स्टूपिड, कि वह मूर्ख नहीं है, एंड ए लिटरेट पर्सन, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, हु रोट ए लेटर टू गॉड, वह भगवान को पत्र लिखता है विदाउट एनी एड्रेस, रिक्वेस्टिंग फॉर मनी, वह भगवान को एक पत्र लिखता है किसी भी प्रकार का, कोई भी पता लिखे बिना। लंचो है डीप फेथ, लंचो का पूरा विश्वास है इन गॉड भगवान में, एंड वाज कॉन्फिडेंट और पूरा निश्चित है दैट ही वुड डेफिनेटली निश्चित रूप से रिसीव सम फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प होती है वित्तीय सहायता, वित्तीय सहायता जो पैसे के लेन देन से संबंधित सहायता होती है फ्रॉम द अलमाइटी, उस अलमाइटी से। अगला प्रश्न है, देयर आर टू काइंड ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी, कहानी में दो प्रकार के संघर्ष हैं, बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ह्यूमंस मनुष्य और प्रकृति के बीच में, ह्यूमन दल सेल्वेज, हाउ आर दीज कन्फ्लिक्ट
इलुस्ट्रेटेड, और ये जो मतभेद हैं, ये जो संघर्ष हैं, ये किस प्रकार से चित्रित किए गए हैं। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज शोन इन द स्टोरी। कहता कन्फ्लिक्ट्स है जो संघर्ष हैं ह्यूमन और नेचर के बीच में, इज शोन इन द स्टोरी। व्हेन लैंचो क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, जब लैंचो की फसल नष्ट हो जाती है बाई द हेल स्टॉर्म, बर्फीले तूफान के द्वारा, ही हैड एक्सपेक्टेड, वह उम्मीद करता है सम गुड रेन, जब है कुछ अच्छी बारिश की उम्मीद करता है, फॉर ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल के लिए। हाउ एवर वैन हिज क्रॉप्स वर डैमेजेड, और जबकि उसकी जो फसल है वो डैमेजेड हो जाती है, नष्ट हो जाती है बाय द हेल स्टॉर्म, बर्फीले तूफान के द्वारा। ही लॉस्ट ऑल होप्स, वह सारी उम्मीदें छोड़ देता है, एंड बिकेम सैड, और उदास हो जाता है, एट द साइट ऑफ हिज डिस्ट्रॉयड फील्ड, अपने नष्ट हुए खेत की तरफ देखकर। हाउ एवर यद्यपि, द स्टोरी ऑल्सो डेपिक्ट, डेपिक्ट होता है चित्रित करना, डेपिक्ट क्या होता है चित्रित करना। कन्फ्लिक्ट संघर्ष ऑफ ह्यूमन बिटवीन देम सेल्वेज, मनुष्यों के बीच के संघर्ष को भी चित्रित करता है। द पोस्ट मास्टर कलेक्टेड सम मनी, कुछ धन इकट्ठा करता है फ्रॉम हिज कॉलेजियस फ्रेंड्स एंड गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू हेल्प लैंचो सो दैट द लेटर्स फेथ इन लैंचोज फेथ इन गॉड इज नॉट शेकन। तो वो क्या करता है, कुछ पैसे इकट्ठा करता है अपने साथियों से और अपने मित्रों से, अपने कर्मचारियों से, ताकि लंचों का जो विश्वास है वो ना डगमगाए। इट वॉज ए ब्यूटिफुल एक्ट ऑफ सेल्फनेस, यह निस्वार्थता का एक बहुत अच्छा कार्य था, एंड काइंडनेस दयालुता का, ऑन दियर पार्ट्स उनकी तरफ से, डिस्पाइट दियर नोबल एक्ट, नोबल होता है अच्छा, उनका जो अच्छा काम था। इसके अलावा व्हेन लंचो रिसीव्ड द मनी, लंचो जब धन प्राप्त करता है, ही ब्लाइंडली बिलीव, वह आंख बंद करके इस विश्वास करता है, दैट गॉड हैड सेंट हिम द मनी, कि भगवान ने उसे धन भेजा है, एंड ही ब्लेम्ड, और वह ब्लेम करता है। ब्लेम होता है किसी पे आरोप लगाना, ब्लेम क्या होता है आरोप। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे, फॉर स्टीलिंग सम मनी, उसके पैसे चुराने पे, फ्रॉम द एनवलप, उसके लिफाफे से। दिस इम्प्लाइज, इसका अर्थ है दैट मैन लेक्स फेथ इन हिज फिलो ह्यूमन बींग, लेक्स होता है कमी, लेक्स क्या होती है कमी, तो मनुष्य है वो कम विश्वास करता है अपने साथी मनुष्यों पर। विच गिव्स राइज टू कॉन्फ्लिक्ट, राइज होता है पैदा होना या बढ़ना, जो कि बढ़ाता है संघर्ष को, अमंग देमसेल्व्स, और यह क्या है, यह उनके बीच में आपसी संघर्ष को बढ़ावा देता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग नाम है फॉर स्टॉर्म, तूफान के लिए, डिपेंडिंग ऑन दियर नेचर, उनके नेचर के अनुसार, उनकी प्रकृति के अनुसार। कैन यू मैच द नेम इन द बॉक्स विद दियर डिस्क्रिप्शन बिलो, यू फिल इन द ब्लैंक्स, यू मे यूज ए डिक्शनरी टू हेल्प यू। तो ये देखिए, गेल है, वर्ल्ड वाइंड है, साइक्लोन है, हरिकेन है, टोर्नाडो है, टाइफून है, इनका आपने बताना है। तो ये आपको दिया हुआ है, ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म, एक हिंसक उष्णकटिबंधीय तूफान, इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल, एक सर्कल में जो चलती हैं उसे क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, सर्कल से साइक्लोन आप याद कर सकते हैं। दूसरा है एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, एक अत्यंत तेज हवा, इसे क्या कहते हैं, गेल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, गेल कहते हैं, ये ज़्यादातर समुद्र के अंदर आती हैं, समुद्री हवा होती हैं। ए वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, इसे क्या कहते हैं, टाइफून कहते हैं। ए वायलेंट स्टॉर्म हुज सेंटर इज ए क्लाउड इन द शेप ऑफ ए फनल, फनल कहते हैं कीप को, इस तरह से जो ये कीप बनी होती है, ये इस कीप को फनल कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, टोर्नाडो कहते हैं, क्या कहते हैं, टोर्नाडो कहते हैं। ऐसा एक तूफान जिसको शक्ल, जिसका जो सेंटर होता है वो बादलों में होता है, और जो कैसा लगता है, एक कीप की तरह। अगला है ए वायलेंट स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन, तो जो वेस्टर्न है पश्चिमी और अटलांटिक ओशियन है वहाँ पे जो आते हैं तूफान, उन्हें क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, क्या कहते हैं, हरिकेन। ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, दैट मूव, जो कि चलती है वेरी फास्ट, बहुत तेजी से, इन ए स्पिनिंग मूवमेंट, एंड काजेज ए लॉट ऑफ डैमेज, और इसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड विंड कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ल्ड विंड कहते हैं, एक बहुत तेज हवा जो चलती है बहुत तेज से, इन स्पिनिंग मूवमेंट, इस तरह से जो चलती है ऐसे ऐसे गोल गोल, उसे कहते हैं वर्ल्ड विंड। यह हमारा अंतिम प्रश्न है, ये आपको कुछ वाक्य दिए हुए हैं और इन वाक्यों को आपने हु, होम, विच, ऊज और इसके अनुसार इनको जोड़ना है। ओफन गो टू मुंबई, मुंबई इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसको जब हम सही करेंगे तो क्या होगा, ओफन गो टू मुंबई, विच इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ द इंडिया, आमतौर पर मुंबई जाता हूँ, जो कि कॉमर्शियल कैपिटल है भारत की,
दूसरा है माई मदर इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, मेरी माँ होस्ट करने जा रही है. होस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बताना. शी कुक्स वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं. तो इसे हम लिखेंगे माई मदर, मेरी माता, हु कुक्स वेरी वेल, जो कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, इज गोइंग टू होस्ट ए टीवी शो ऑन कुकिंग, वह होस्ट करने जा रही है एक टीवी शो को. दीज स्पोर्ट्स पर्सन, अगला है दीज स्पोर्ट्स पर्सन आर गोइंग टू मीट द प्रेजिडेंट, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो प्रेजिडेंट से मिलने जा रहे हैं. दियर परफॉर्मेंस हैज बिन एक्सीलेंट, उनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है. तो दीज स्पोर्ट्स पर्सन, ये स्पोर्ट्स पर्सन, ये खिलाड़ी, हुज परफॉर्मेंस, जिनकी परफॉर्मेंस हैज़ बिन एक्सीलेंट, बहुत शानदार है, आर गोइंग टू मीट द प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट से मिलने के लिए जा रहे हैं. चौथा है लंचो प्रेयर टू गॉड, लंचो भगवान से प्रार्थना करता है. हिज आईज सी इन टू यू अवर माइंड, उसकी आँखें हमारे मन में देख सकती हैं. लंचो प्रेयर टू गॉड हुज आईज, तो यहाँ पे हु लगा देंगे बीच में, सी इन टू अवर माइंड्स. अगला है दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम, दिस मैन, यह व्यक्ति, होम आई ट्रस्टेड, जिस पे मैंने विश्वास किया, चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया. तो इसी के साथ हमारे ये लेसन कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे. अगर अच्छा लगे तो ये आपका चैनल है जी एस वाई ईश्वर सर, इसे आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.